अब हम बात कर रहे हैं किन किन लोगों ने चालू सेट में सीपीयू निकाल के उनको वापस चालू किया है। yes, sir. Yes, sir. चलो देखो इतने सारे लोगों ने मतलब यार सबने किया ये तो। yes, sir. अब ठीक है, अब किन किन लोगों ने एक से ज्यादा बार किया है, सो अपने नंबर बोलते जाइए। दो मैं तीन बार सर। तीन बार सर। तीन बार। तीन बार। छह बार, बार। yes, sir. तीन बार। दो बार। दो बार। दो बार। और आपने एक बार इसीलिए क्योंकि आपको एक ही बार मिला है। पर्सनली बताओ सर। बहुत कॉन्फिडेंट बढ़ रहा है सर, पहले यहाँ आने से पहले काम नहीं कर पाता था, जब यहाँ पे आया तो बहुत कॉन्फिडेंट हो गया, कंपाउंड्स का पूरा नॉलेज हो गया सर। पूरा नॉलेज हो गया सर। तो मतलब आप कितने 10 में से कितने नंबर देना चाहते हो? दस में से दस ही देना चाहते हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा। क्या सोच के आए थे इस रेटर को? वीडियो देखते थे सर, ये नहीं पता था कि हम लोग को यहाँ मतलब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं सर गलत तो खाते कि नहीं, आज हमें पता चल गया सर सब कुछ सही होता है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो आपने जब सॉफ्टवेयर करने आए थे तो क्यों आपको लगा कि मुझे यहीं से हार्डवेयर करना चाहिए? सर हार्डवेयर का जो पिछले बैच का स्टूडेंट थे ना, उनका उनसे मैं जानकारी हासिल किया तो रिव्यू ले आया उनका, तो वो बताया हार्डवेयर यहाँ इतना परफेक्ट एंड स्ट्रांग है जो आप कहीं भी नहीं सीख सकते हो, क्योंकि बेसिक इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एवरीथिंग। बेसिक अगर आपका अच्छा है तो आगे आप खुद सी सोच सकते हो क्या प्रॉब्लम आ सकता है इस कंपोनेंट में, क्या प्रॉब्लम होती है, अगर एक प्रॉब्लम है अगर ये किसके वजह से आ सकता है ये सोच सकते हैं। अगर बेसिक ही नहीं है तो आप चुपके आप आई सी निकालोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। प्रैक्टिकल नहीं कराते क्या? यस सर 100% प्रैक्टिकल कराते हैं क्या? यस सर। क्या बात कर रहे हो आप बताओ। आप लोग आपने आप मेरे पास आए थे तो आपने कहा था कि सर ऐसा आपके बारे में लोग बोलते हैं, तो फिर भी आप आए मेरे पास। सर हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें यहाँ सीखने को मिला, हम आए हम सर दो दिन के डेमो क्लास हुई थी सर, उसी में पता चल गया था वो सब गलत बोल रहे हैं सर। अच्छा तो दो दिन का आपने कोई पैसा नहीं लिया था सर? अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप एडवांस में पैसे दो तो एडवांस में बिल्कुल यहाँ पैसे नहीं लिए जाते हैं, यहाँ दो दिन के बाद पैसे लिए जाते हैं। अगर कोई आपको ऐसा बोलता है, फोन करता है कि ऐसे टेलीकॉम से बात कर रहे हैं और आप 2000 भरवा दीजिए नहीं तो आप किसी कैंसिल कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग बिल्कुल किसी को भी पैसे पे मत कीजिए। हमारा कहना है आप पहले मेरे यहाँ आइए, दो दिन पढ़िए, अगर आपको बेटर लगता है तो फिर आगे तीसरे दिन आपको पैसे देने होंगे। क्या आपको अब किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत नहीं सर। हम सोच रहे सर साल भर पहले आ गए तो आज कना कहाँ होते सर। आप खुद इंस्टीट्यूट खोले होते? हाँ सर। खोले नहीं होते है ना, तो ऑलरेडी चला रहे हैं हमारे बच्चे इंस्टीट्यूट। आप मुझे बताओ आपके अब तक कितने पैसे लग गए? 22,000 रुपया सर बस। और रहने खाने का कितना? रहने खाने का लगा 2,800 रुपया, हॉस्टल का लगा सर, बाकी खाने का यानी 26,000-27,000। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है और इंडिया का नंबर वन बनने वाले स्टूडेंट कौन है? और एक दो मोबाइल पे हमने चालू किए सीपीयू रिवॉल्व करके, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा सर। मतलब अभी हमारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि हम कब घर पे जाएंगे सर और कब अपने जो डेड मोबाइल पड़े हैं उनको रिपेयर करेंगे और प्रोग्रामिंग करके चलेंगे। इजी जेट और UFI सब एकदम दिमाग में बढ़ गया सर। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? तो दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ देवेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम जो कि है इंडिया का, ठीक है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं। और हमारे साथ में हैं हमारे टीचर और EMC और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमारे प्रोग्रामर फिरोज। फिरोज मेरा नाम है, फिरोज हैदराबाद से हूँ। तो फिरोज सर के बारे में एक जन कोई राय देना चाहेगा क्या? यहाँ पर कौन बोलना चाहेगा? सर फिरोज सर बहुत अच्छे हैं, हमें पहले कुछ भी नहीं आता सर, 5 साल से काम कर रहे थे, इन्होंने 2-3-4 दिन में इतना परफेक्ट कर दिया, आज 2-3 मोबाइल चालू भी कर दिया। अच्छा मैं आपका नाम क्या है? शिवराज। मैं आपसे पूछूंगा बहुत सारी चीज़ें बैठी। मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि चलो हम बात करते हैं हमें कितने दिन का आउटपुट है, 5 दिन का मान लें, 5 दिन 28, 29, 30, 31, 1, 2 कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए। आज 3 तारीख है, तीन है, 6 कहाँ से हो गए थे? 3 तारीख है आज, तो आज का दिन तो लेंगे नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं किन किन लोगों ने, जो कि लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूँ लोगों की कौन सुनता है, हम तो अपनी सुनते हैं ना भाई, आप बताइए किन किन लोगों को आपको यहाँ पर एक चालू मोबाइल में सीपीयू निकाल के, नहीं किन किन लोगों ने रिबोलिंग आती है पहले ये बता दो। रिबोलिंग सबको आती है? रिबोलिंग जब आप लोग पहली बार यहाँ आए थे तो सबसे पहले क्या करवाई आपसे? कितने बजे?
तो मेरे 8 बजे उस दिन भी आपको रात में कितने बजे छोड़ा? रात के 8 बजे। तो मतलब 12 घंटे की क्लास दी। लोग कहते हैं सी सर इतने घंटे में तो पागल हो जाते हैं, क्या वाकई में आप पागल हुए क्या? आपको ऐसा लग रहा होगा कि 1 घंटा और रुक जाओ। आपने चलिए आप सब ने बोलिंग किया यहाँ पर सब लोगों ने और प्रैक्टिकली खुद पहले दिन ही, और दूसरे दिन अब हम बात कर रहे हैं किन किन लोगों ने चालू सेट में सीपीयू निकाल के उनको वापस चालू किया है। चलो देखो इतने सारे लोगों ने मतलब यार सबने किया ये तो। अब ठीक है, अब किन किन लोगों ने एक से ज्यादा बार किया है? सो अपने नंबर बोलते जाइए। दो मैं तीन बार सर। तीन बार, छह बार, तीन बार, दो बार, दो बार, दो बार, और आपने एक बार इसीलिए क्योंकि आपको एक ही बार मिला है। आपको एक बार ही मिला है। तो आप सभी लोगों ने यहाँ पर एक चालू मोबाइल में सीपीयू निकाल कर उसको रिवॉल्व करके खुद चालू किया है। इसमें हमारी तो कोई वो नहीं है ना? नहीं, नहीं है। बट सर फिरोज सर और टेक्निक है इसे टेलीकॉम की, जिससे आपको लगा कि सीपीयू निकालना लगाना अभी हमारे लिए ज़्यादा कठिन काम नहीं है। तो बेस मीन क्या है? ट्रेसिंग। अगर मैं आपसे पूछूं ट्रेसिंग, क्या आप विदाउट सर्किट डायग्राम ट्रेस करके सर्किट डायग्राम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बात करते हैं कि हमने इस दिनों में क्या क्या पढ़ा। हमने रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, कॉइल, कपलर, बैटरी कनेक्टर पूरा उखड़ जाए तो हम बना सकते हैं? बैटरी एरर आए तो बना सकते हैं? अगर मैं बात करूं यहाँ पर आईसीओ की डिटेल, क्या आईसीओ को मैं पहचान सकता हूँ यहाँ पर? सीपीयू, पावर, वाईफाई सर, ब्लूटूथ आईसी, पीएफओ आईसी, मैं पहचान सकता हूँ कि कौन कौन पहचान सकता है? हाथ उठाइए। सो 6 दिन का 5 दिन का ये आउटपुट है जिसमें आपने देखा कि टोटल कंपोनेंट सीरीज पैरेलल ट्रेसिंग के साथ, और ट्रेसिंग तो अब दोस्तों ये तो हमारी पूरी 30 दिन चलेगी इनके साथ में। और देखा जाए तो आज हमारा जो सेक्शन है पहला वो आज हमारा रिंगर और स्पीकर सेक्शन ही है। सो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं यहाँ पर। एक हमारे साथ ये स्टूडेंट है, आपका नाम क्या है? थापा, आप नेपाल से हैं? नेपाल से। आप ये बताओ कि डायोड क्या होता है? डायोड कितने प्रकार के डायोड लगे होते हैं और क्या होता है? डायोड 3 प्रकार के होते हैं सर। कौन कौन से? एक नॉर्मल डायोड होता है, एक लाइट डायोड होता है, और एक होता है जीनर डायोड सर। और डायोड किन दो कनेक्शन में मोबाइल फोन में लगे होते हैं? एक सीरीज में और एक पैरेलल। आप सभी लोग को सीरीज और पैरेलल तो समझ में आता है कि नहीं आता? ये बहुत जरूरी है समझना, विदाउट सीरीज पैरेलल आप सर्किट को ट्रेस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। सो ये बताइए जो नॉर्मल डायोड है और अगर क्या काम करता है वो नॉर्मल डायोड? और नॉर्मल डायोड होता है जो एससी को डीसी में कन्वर्ट करके, अगर किस कनेक्शन में लगाओ वो सीरीज में लगाओ, सीरीज में लगाओ, और अगर वो पैरेलल लगाओ तो वो क्या बन जाता है? सिक्योरिटी कार्ड, सिक्योरिटी कार्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? जरूरत है भी और नहीं भी। चलिए अगर मैं बात करता हूँ सीरीज डायोड, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको कैसा अनुभव है यहाँ पर? बहुत अच्छा। पर्सनली बताओ सर। बहुत कॉन्फिडेंट बढ़ रहा है सर, पहले यहाँ आने से पहले काम नहीं कर पाता था, जब यहाँ पे आया तो बहुत कॉन्फिडेंट हो गया, कंपोनेंट्स का पूरा नॉलेज हो गया सर। पूरा नॉलेज हो गया सर। तो मतलब आप कितने 10 में से कितने नंबर देना चाहते हो? अच्छा 10 में से 10 ही देना चाहते हो? 10 में से 10 देना चाहते हो? थैंक यू वेरी मच, इनके लिए जोरदार तालियां। आप मुझे बताइए रजिस्टर कितने प्रकार, 3 रजिस्टर के प्रकार बताओ सर। नॉर्मल रजिस्टर, बीडीआर रजिस्टर और कोड रजिस्टर। बचे हुए 3 रजिस्टर आप बता दो सर। थर्मिस्टर और वीडीआर। वीडीआर बता चुके हैं। फ्यू रजिस्टर, सिंपल रजिस्टर। सो आप ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ, आप मुझे बताइए कि आपने कौन कौन से रजिस्टर बताया फिर से बोलो सर। नॉर्मल रजिस्टर, वीडीआर रजिस्टर और रजिस्टर बोला। सो ये तीनों रजिस्टर में किस पे जंपर मार सकते हैं किस में नहीं? सर नॉर्मल रजिस्टर में जंपर मार सकते हैं। वो भी किस कंडीशन में? सीरीज में। पैरेलल में नहीं? पैरेलल कनेक्शन कितने कनेक्शन में लगा होता है? पैरेलल कितने कनेक्शन में लगा होता है? दो कनेक्शन में लगा होता है पैरेलल, दो कनेक्शन में लगा होता है ना, ये आपको नॉलेज है कि नहीं है? सिर्फ प्लस माइनस में नहीं लगा होता पैरेलल, ठीक है, प्लस प्लस में भी होता है। अच्छा सुनिए, अगर मैं आपसे बात करूं जो रजिस्टर है वो क्या काम करता है? सर ये करंट को सर थोड़ा अवरोध करके आगे भेजता है सर। कोर रजिस्टर कितने वैल्यू के लगे होते हैं सर? उस पे लिखा जितना वैल्यू होगा उस पे लिखा होगा और हम निकाल के भी चेक कर सकते हैं। तो एक लो वैल्यू भी होता है, एक हाई वैल्यू भी होता है। मुझे बताइए कि रजिस्टर जो कोर रजिस्टर है वो कितने वैल्यू के लगे होंगे?
2R2 और 2K2 इसको क्या बोला जाएगा, लो वैल्यू और हाई वैल्यू। तो ये कहाँ लगे मिलेंगे सर? ये चार्जिंग सेक्शन में लगे। इनपुट में कि आउटपुट में? आउटपुट में। अगर ये खराब हो जाए तो आपको फॉल्ट पता नहीं क्या आएगा, फेज चार्जिंग आएगा। और मल्टीमीटर को चेक करने की इसकी बड़ी ही खतरनाक विधि है, ये आपको नॉलेज है कि नहीं है? वेरी गुड, ठीक है। कैसा लगा आपका अनुभव? क्या है, बहुत अच्छा लगा। क्या सोच के आए थे इस सेंटर को? वीडियो देखते थे सर, ये नहीं पता था कि हम लोग को यहाँ मतलब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं सर गलत तो खाते कि नहीं, आज हमें पता चल गया सर सब कुछ सही होता है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मेश सिंह है, मैं यूपी आगरा से हूँ। यूपी आगरा से हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि वो जो बाकी के तीन रजिस्टर थर्मिस्टर आपने बताया, और क्या बताया दो? BDR। अच्छा, थर्मिस्टर क्या होता है सर? थर्मिस्टर वोल्टेज नहीं सर, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। थर्मिस्टर क्या होता है? थर्मिस्टर क्या होता है सर? तो आप मुझे बताइए कि थर्मिस्टर क्या काम करता है? चार्जिंग पॉज का मैसेज आता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है। ये कहाँ कहाँ लगे हो सकते हैं? ये बड़े सीपीयू और नेटवर्क सेक्शन, ये बड़े थर्मिस्टर का बड़ा मसला होता है। और अभी तक टेक्नीशियन थर्मिस्टर को समझ नहीं पाए। थर्मिस्टर को चेक करने की क्या विधि, मतलब कहाँ से दूर है थर्मिस्टर? दूसरा कहाँ पर? दूसरा कहाँ पर? पेड फर्मवेयर में। दूसरा कहाँ पर? पेड फर्मवेयर में। VDR रजिस्टर पैलर होते हैं कि सीरीज होते हैं? पैलर होते हैं। हाई वैल्यू के कि लो वैल्यू के? हाई वैल्यू के होते हैं। अच्छा बताओ, क्या रजिस्टर में अगर बीप नहीं बज रही है तो क्या वो ओपन होता है क्या? नहीं है। क्या रजिस्टर शॉर्ट होता है क्या? नहीं होता है। कैसा लगा आपको यहाँ पर, क्या एक्सपीरियंस है, मतलब आपने क्या सोचा था, अभी क्या फील होता है आपको, मतलब अभी और पहले में कितना अंतर है आपके में? आप देखिए कि जो महीने महीने का जो कोर्स होता है, या जो लोगों को उसके बाद भी समझ में आता, आपको वो चार दिन पाँच दिन के अंदर मिला कि नहीं मिला? मिला। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इनके ताली बजाइए। आपका नाम क्या है? आप यहाँ आ जाओ, यहाँ यहाँ ऐसे आ जाओ। आपका नाम क्या है बताएं? नाम सतीश, आपने यहाँ से सॉफ्टवेयर कोर्स भी किया पहले, आप उसके बाद EMC करना चाहते थे, पर आपने हार्डवेयर कोर्स को क्यों ज्वाइन किया? सर, हार्डवेयर में ऐसा चीज़ है जो बहुत बारीक रहता है, मैंने तो अभी छोटे छोटे चीज रहते हैं सिर्फ, कभी सारा काम IC से नहीं बनता है। रेजिस्टर भी होता है, कैपेसिटर होता है, ट्रांसिस्टर होता है, डायोड होता है, इसमें से बहुत सारा फॉल्ट, 50% ऑफ द फॉल्ट इसमें से शॉर्ट आउट हो जाता है। क्योंकि सेक्शन है, लाइट सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन है, रिंगर सेक्शन है, ग्राफिक सेक्शन है, उनके ICU का पिन आउट, वो सारी चीजें EMC में नहीं बताया जाती है। हाँ सर। तो ट्रेसिंग होता है, ट्रेसिंग होता है, कोल्ड टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग होता है, सीरियस एंड पैरेलल होता है। अगर इसके बारे में अगर कोई भी नॉलेज नहीं है तो EMC बेकार है। बेकार है EMC करना, तो बेकार ही है। इसकी वजह से मैं पहले बेसिक सीखने हूँ, बाद में EMC करने के लिए मैं सोचा था। अच्छा, यहाँ पर कितने टेक्नीशियन हैं जो 5-5 साल से ऊपर काम कर रहे हैं? यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे टेक्नीशियन यहाँ पर। आप कितने साल से हो? 5 साल का ऊपर होगा, 6 साल के आसपास। तो आप डायरेक्ट EMC, आपसे थॉट आया होगा कि EMC सीखते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सीखते हैं, क्या आपके दिमाग में आया? सर पहले हमने सोचा सर, पहले जो सॉफ्टवेयर का काम मैं कर रहा हूँ, मैंने सोचा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर EMC, पहले हार्डवेयर से चलते हैं क्योंकि हार्डवेयर जरूरी होता है सर। जरूरी होता है, ठीक है। आप कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं सर 6 साल से काम कर रहा था। तो आपका क्या थिंकिंग है, आपने दिमाग में पहले आया कि यार डायरेक्ट EMC कर लेते हैं? नहीं सर, मेरे को बेसिक नॉलेज नहीं था, जो पहले बेसिक नॉलेज लेके फिर मैं EMC करूं और सॉफ्टवेयर करूं। वेरी गुड। आप मुझे बताएं सतीश कि आपने जब सॉफ्टवेयर का नॉलेज लिया तो आपके दिमाग में ये भी तो आ सकता था कि क्यों ना मैं ऑनलाइन EMC सीख लूं? भाई ऑनलाइन भी तो कम पैसों में EMC सिखाया जा रहा है, घर बैठे हैं EMC का, JTAG का नॉलेज मिल जाएगा, UFI का नॉलेज मिल जाएगा, एक एक दिन में एक एक वीडियो आते रहते हैं। और तो आपने क्यों ऐसा आपके दिमाग में नहीं आया, आपने क्यों चुना कि एक इंस्टीट्यूट जाके प्रॉपर तरीके से सीखें? सर जो वीडियो में बताया जाता है, लाइव में तो ऐसा होता ही नहीं है, लाइव में तो अलग ही रहता है। जब जो लाइव में देखते हैं वैसा हम जो जब वीडियो देखते हैं जब काम बनाते हैं वैसा बनता नहीं है, वो कुछ चीज़ें छुपाए भी जाता है और कुछ वो बना नहीं बना के रहता, फिर भी वो दिखा देते हैं बन गया करके, ऐसा रहता है। लेकिन लाइव में अलग ही होता है, लाइव में हम सेट लेते हैं उसके ऊपर ही प्रैक्टिकल होता है पूरा, जो भी प्रोग्राम होता है ऐसे निकालते हैं उसको प्रोग्रामिंग करते हैं पूरा वो रहता है। इसकी वजह से हम उधर वीडियो से 1000 गुना आप लाइव में जाके इधर ही इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके आप सीखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स रहता है सर। और एक और बड़ी बात होती है कि आपके साथ जो बड़े बड़े जब टेक्नीशियन बैठते हैं तो उनका अनुभव भी आपको मिलता है, जो कि आपको वहाँ नहीं मिलता है।
डिस्टर्ब रहता है, और वहाँ पर ये बात सही है कि बहुत सारी चीज़ें छुपाई जाती है ऑनलाइन में, आपको कभी पूरा चीज़ नहीं देंगे क्योंकि वही तो उनका पैसा कमाने का जरिया है। ठीक है, तो आपके हिसाब से आपने हार्डवेयर यहाँ पे अटेंड किया, तो आपने जब सॉफ्टवेयर करने आया था तो क्यों आपको लगा कि मुझे यहीं से हार्डवेयर करना चाहिए? सर, हार्डवेयर का जो पिछले बैच का स्टूडेंट था ना, उनका उनसे मैं जानकारी हासिल किया तो रिव्यू ले आया उनका, तो वो बताया हार्डवेयर यहाँ इतना परफेक्ट एंड स्ट्रांग है जो आप कहीं भी नहीं सीख सकते हो, क्योंकि बेसिक इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एवरीथिंग। बेसिक अगर आपका अच्छा है तो आगे आप खुद सोच सकते हो क्या प्रॉब्लम आ सकता है, इस कंपोनेंट में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर एक प्रॉब्लम है अगर ये किसके वजह से आ सकता है ये सोच सकते हैं। अगर बेसिक ही नहीं है तो आप चुपके आप आईसी निकालोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन फॉर एनी मैकेनिक। चलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूँ कि मेरा बैटरी का एरर आ रहा है तो आपका शुरुआती कंडीशन चेकिंग करने का क्या होगा? सब बैटरी पहला एरर रहता है तो हम बैटरी रिप्लेस करके देखते हैं। पहले नेक्स्ट स्टेप हमारा बीएसआई पॉइंट का चेक करते हैं। अगर मैं आपसे बोला हूँ कुछ बैटरी करेक्टर ऐसे होते हैं जिनमें चार पॉइंट होते हैं, बैटरी टेम्परेचर भी होता है अलग से, तो कैसे आपको नॉलेज है कि वो डिटेक्ट कर सकते हैं आप? डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास में एक MI का मान लीजिए 3S प्राइम आ गया, या कोई सा भी एक फोन है, वीवो का V51 या V55 आ गया, Y55 आ गया, अब सपोज में बैटरी एरर आ रहा है और उसका सर्किट डायग्राम नहीं है, तो आप कैसे करोगे? सर पहले तो हम उसका फॉल्ट देखेंगे, उसके हिसाब से BSC में प्रॉब्लम है या B टेम्प में प्रॉब्लम है, इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। उसमें कौन सी टेस्टिंग? कोल्ड टेस्टिंग करेंगे मतलब शुरुआती दौर पे। मैंने आपको एक चीज सबको बताई थी कि एक पटरी होती है और एक क्या होती है, रेलगाड़ी। तो जब पटरी नहीं बिछी होगी तो रेलगाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी अगर चलवाना है तो क्या दूर है? पहले पटरी दूर है। सो वो पटरी कौन सी विधि से ढूंढा जाता है? तो कोल्ड टेस्टिंग से ट्रैकिंग के थ्रू। हाँ जी, पैरेलल सीरीज उसके। अब क्या तीन फॉल्ट आ सकते हैं उसमें? मान लो बैटरी एरर है तो बैटरी पॉज आ सकता है। बैटरी नहीं, एरर में वो आप कोल्ड टेस्टिंग कर रहे हो तो तीन क्या फॉल्ट आपको मिल सकता है मल्टीमीटर से? पहले तो हमारे को BSL जो सॉकेट है ना उधर चेक करना पड़ेगा, ओपन है शॉर्ट है या लीकेज है, इसको पहले चेक करना पड़ता है। ओपन होगा तो कौन सा संबंध आप चेक करें, कौन सा कनेक्शन आप चेक करेंगे? ओपन है तो हम उसके जो सीरीज में जो भी कंपोनेंट्स लगा है उसको हम चेक करते हैं सीरीज। और अगर मान लो शॉर्ट होता हो तो कौन से में चेक करेंगे? शॉर्ट में तो पैरेलल में जो भी कंपोनेंट्स लगा रहता है, या डायोड हो सकता है या कैपेसिटर होता है, इसको हम चेक करते हैं। और अगर मान लो रीडिंग आ रही हो तब भी बैटरी एरर आ रहा है तो इसका क्या मतलब निकल सकता है? सर हम पहले तो ये सीरीज में चेक करेंगे या पैरेलल चेक करेंगे, उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो हम पावर सप्लाई से मेजर। और पावर आईसी आपने मान लो रिवॉल्व करके लगा दी तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? तो उसके बाद में हम CPU रहता है सर। तो भाई CPU तो आप सभी रिवॉल्व कर सकते हैं मेरे हिसाब से, है ना? आपने दो दो तीन तीन बार लगाए हैं तो आप अब प्रैक्टिस करना है, यही चीज है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इनके जोरदार तालियां बजा दी। यहाँ पर मेरे साथ में और स्टूडेंट है, आप आ जाइए। आप ये बताओ कि कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? नॉन पोलर और पोलर। पोलर कौन से कैपेसिटर सबसे ज्यादा लगे होते हैं? सर नॉन पोलर सबसे ज्यादा लगे होते हैं। कहाँ लगे होंगे? सर नॉन पोलर पावर आईसी का आसपास और सर हर जगह लगे होते हैं। कैपेसिटर कहाँ के नहीं निकालने चाहिए? वो सीरीज में जो लाइट सेक्शन होता है वहाँ के और पावर आईसी के पास नहीं निकालना। ठीक है, इन्होंने बताया, आ जाओ, दो जगह से नहीं निकालने चाहिए, तुम सही बताओ कि कहाँ के नहीं निकालना चाहिए? बूस्ट कॉइल और डायोड के पास। तो इस ये इन्होंने क्यों बताया, कौन बताएगा ये बताइए कि बूस्ट कॉइल और डायोड के पास नहीं निकालना चाहिए, बताइए। और जब तक शुद्ध करंट नहीं मिलेगा बूस्ट कॉइल और डायोड, जब AC से DC बदलता है तो प्योर DC को फिल्टर करता है, मतलब प्योर DC को फिल्ट्रेशन चाहिए, उसके बाद बढ़ाकर चाहिए, नहीं तो क्या होगा, DC प्योर नहीं मिलेगा तो सर्किट में आगे प्रॉब्लम जा सकती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप ही बताओ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर? सर मैं यहाँ आया मतलब घर पर मतलब कुछ मतलब सही से हम काम नहीं कर पा रहे थे, घर पर काम कर रहे थे, यहाँ आज मुझे बहुत कुछ मिला। अच्छा, तो आप यहाँ पे सेटिस्फाई हैं कि नहीं है? थैंक यू वेरी मच, इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ओवरऑल हम बहुत सारी, अगर मैं आपसे ट्रांजिस्टर पूछूं, मैं आपसे डायोड पूछूं, मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप सब बता सकते हैं कि नहीं? अच्छा, मैं कौन पूछूंगा, आप बताओ, प्रैक्टिकल नहीं कराते क्या? यस सर, 100% प्रैक्टिकल कराते हैं क्या? यस सर। क्या बात कर रहे हो,
आप बताओ, आप लोग आपने आप मेरे पास आए थे तो आपने कहा था कि सर ऐसा आपके बारे में लोग बोलते हैं, तो फिर भी आप आए मेरे पास। सर हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें यहाँ सीखने को मिला, हम आए, हम सर दो दिन की डेमो क्लास हुई थी सर, उसी में पता चल गया था वो सब गलत बोल रहे हैं सर। अच्छा, तो दो दिन का आपने कोई पैसा नहीं लिया था सर, ये एक बड़ी बात है कि दो दिन का। अच्छा मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ मैं यहाँ पर, कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, एक जन के साथ कि उनसे पैसा, कि दोस्तों अगर आप लोग यहाँ के एशिया टेलीकॉम के स्टूडेंट हैं और आप लोग यहाँ आ रहे हैं और आप लोग ने एडमिशन किया हुआ है, तो अगर कोई आपको राजेश इसको अपडेट करना चाहोगे बताइए, राजेश सर यहाँ पे आके बताइए, अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप एडवांस में पैसे दो, तो एडवांस में बिल्कुल यहाँ पैसे नहीं लिए जाते हैं, यहाँ दो दिन के बाद पैसे लिए जाते हैं। अगर कोई आपको ऐसा बोलता है, फोन करता है कि एशिया टेलीकॉम से बात कर रहे हैं और आप 2000 भरवा दीजिए नहीं तो आप किसी कैंसिल कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप लोग बिल्कुल किसी को भी पैसे पे मत कीजिए। हमारा कहना है आप पहले मेरे यहाँ आइए, दो दिन पढ़िए, अगर आपको बेटर लगता है तो फिर आगे तीसरे दिन आपको पैसे देने होंगे। बाकी अगर आपको दो दिन में नहीं लगता कि आपको लगता है कि हम वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर आप जा सकते हैं, यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं करता। बिल्कुल, अच्छा मैं तो देख रहा हूँ तो जितने आए हैं उतने ही हैं अभी, है ना। अच्छा यहाँ पर आप बताइए, क्या बताइए, आप बताइए कि क्या आपको अब किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत नहीं सर, हम सोच रहे हैं साल भर पहले आ गए तो आज कहाँ कहाँ होते सर, आप खुद इंस्टीट्यूट खोले होते? हाँ सर। खोले नहीं होते है ना, तो ऑलरेडी चला रहे हैं हमारे बच्चे इंस्टीट्यूट। चलिए आखिरी बात, चल जाते आते मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जहाँ से 5 दिन से आउटपुट से आप लोग सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, यहाँ पर आप लोगों को ऑल ओवर कंपोनेंट चेकिंग से लेकर जो भी चीज़ हमने बताया, आईसी निकालना सब आता है। सो आखिरी दोस्तों इसी तरह जुड़े रहे चैनल के साथ और नए नए अपडेट पाने के लिए। ये हमारा एक रिव्यू वीडियो था जो काफ़ी लंबा हो गया था, इसमें काफ़ी बातें भी हुई, काफ़ी स्टूडेंट आपने देखे कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं। एक और चीज़ है, आज सुबह भी हमने लाइव वीडियो बनाया और ये हमने फिरोज सर के चैनल पर डाला। फिरोज अपने चैनल का नाम बता दो। मेरा स्मार्ट टेलीकॉम वन नाम है, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में स्मार्ट टेलीकॉम वन। और बाकी हमारे एक और चैनल है तो एक बार प्यार से हो जाएगा मौत का मंजर, वेरी गुड। तो इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है और इंडिया का नंबर वन बनने वाले स्टूडेंट कौन है? मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आप सफलता क्या मचा दे, शोर मचा दे। तो हम मेहनत जो जितनी कर रहे हैं उससे उतनी सफलता का हम यहाँ शोर मचा रहे हैं, और जब हम यहाँ से निकलेंगे सर्टिफिकेट लेकर तो हमारी सब मेहनत की सफलता का जो शोर होगा वो हमारे घरों तक जाना चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो अब भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। जीरो है, तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? तो बहुत कुछ हो जाता है सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने का छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएगा, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आप कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी, अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। सर जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे, तो इंडिया नंबर इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं, ना कि फेक, वो ऐसा हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर PCB जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीज़ें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे
बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं, सही बात पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल है तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था। अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो ऐसा भी हो रहा था फेसबुक भी आ रहा था जो तरकीब बना रहा था अच्छा मोबाइल बना के लिए टेक्नीशियन लोग, तो उनको अपने रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे। तो मैं यहाँ पे गए तो दो तीन स्टूडेंट थे उनसे बात भी किया मैंने कैसा है क्या है नॉलेज लिया मैंने, हाँ वो बोलते थे अच्छा है जाओ तो सब कुछ बना लोगे अच्छा। तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज दे। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था या तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं आप? इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगा। और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर रहे मतलब हम बोले सभी अगर पैसे नहीं दिए हैं बोले मेरा दिल उड़ रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं मतलब सभी अभी बोलते हाँ हमें बोलना है कि हमें ये बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे हैं, हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं हमें बोलना नहीं है बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे बोलेंगे, मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा हमको भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा चुना जाए, तो मैंने फिर नेपाल यहाँ पे आया तो फिर टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाइड सर? 100% सर्टिफाइड है। अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ उसमें, मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ आगे चल के, मेरा हो सकता तो मैं अच्छा सा एक स्टूडेंट हो सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था भी मैं हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं समझे कि इसके अंदर हाँ। एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल कल नए बच्चे जो आए थे नहीं, अच्छा। मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के सामने मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला वो मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Monsoon 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute.
Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.